सूबे की सत्तासीन योगी सरकार भले ही प्रतिवर्ष पर्यटन व वन्य जीव संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पास करे, किंतु समसपुर पक्षी विहार आज किसी और नहीं बल्कि वहां पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते बदहाली से गुजर रहा है। रायबरेली जनपद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सलोन तहसील का ये वही पर्यटन का केंद्र कहा जाने वाला समसपुर पक्षी विहार है, जिसे उत्तर प्रदेश के लेकर के देश विदेशों में जब कभी भी पर्यटन का नाम लिया जाता है तो समसपुर पक्षी विहार का नाम हर किसी की जुबान पर आता है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष शरद ऋतु में विदेशों व गैर प्रांतों से आई चिड़ियों की चहक सुनाई देती है। बुधवार को हड़कंप उस समय मचा, यूपीएस न्यूज 24 की टीम इस पूरे मामले की सच्चाई जानने मौके पर पहुंची, जिसे वहां मौजूद शिकारियों में भगदड़ मच गई। कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पक्षी विहार के परिसर में मौजूद कैंटीन में हजारों मछलियों को कैद करके रखा गया है, जिसे शाम होते ही व्यापारी के पिकअप पर लादकर बाहर भेज दिया जाएगा। जिसकी सच्चाई जानने हैं तो जब वहां के तैनात कर्मचारियों से कहा गया तो पहले आदेश नहीं है का बहाना किया, उसके बाद कैंटीन न खुलवाने की बात कहकर गिड़गिड़ाने लगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर किसकी सह पर पक्षी विहार में तैनात जिम्मेदारों की संरक्षण में झील में पल रही मछलियों की तस्करी करवाई जा रही है। यह पूरा मामला क्षेत्रीय ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल समसपुर पक्षी विहार में तैनात जिम्मेदारों की मिलीभगत से अब तक में लाखों रुपए की मछलियों का विक्रय कर दिया गया है। सुबह से ही सैकड़ों शिकारी आपको झील के सामने दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ शिकारी मछलियों को पकड़ते दिखेंगे तो कुछ मछलियों को ढोते दिखेंगे। वहां के कुछ स्थानीय ग्रामीणों की माने तो समसपुर पक्षी विहार की झील के रखवाली में लगे सभी जिम्मेदारों की संरक्षण में यह खेल होता है, जिसमें से कुछ ग्रामीणों ने पक्षी विहार में तैनात बंटी नाम के एक कर्मचारी का नाम खुलकर कैमरे पर लेते हुए बताया कि पक्षी विहार के कर्मचारी बंटी द्वारा आए दिन झील के आंशिक भाग में रात को दवा डाल दी जाती है, जिससे सुबह से ही सैकड़ों शिकारी इकट्ठे होकर मछलियों को निकाल कर ढोने लगते हैं। नाम न छापने की शर्त पर कुछ ग्रामीणों ने तो रात में पिकअप से भी मछलियों को ढोने की बात कही। रायबरेली से जिला ब्यूरो चीफ अनुभव शुक्ला की खास रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली जनपद में एक ऐसा स्थल है जो कि जब पर्यटन का नाम आता है तो समस्तपुर पक्षी विहार का नाम पहले आता है, किंतु यहाँ की इस तरह बदतर हालत जब देखा जाए तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यहाँ के, यदि सूत्रों से जानकारी मुझे यहाँ मिली कि जो है कोई और नहीं बल्कि यहाँ के जो अधिकारी एवं कर्मचारीगण हैं वो मिल करके यहाँ पर मछलियों को बरवाते हैं। और अभी हमने देखा यहाँ पर कि काफ़ी संख्या में सुबह के टाइम में 200 से 250 से आदमी लगभग यहाँ पर चारों तरफ मछलियाँ मार रहे थे और मार करके सब व्यक्तिगत उपयोग में ले रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इस मामले में संलिप्त हैं। और जब ग्रामीणों का बयान ले गया तो उनका भी यह कहना है कि यहाँ के कर्मचारियों के सहमति से हम लोग ऐसा करते हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पर सवाल और मुद्दे की बात है कि इन मछलियों को मारने के लिए रात में दवा छोड़ दी जाती है और रात में ही जो है अनर्गल तरीके से पिकअप में लोड करके मछलियों को बाहर भेज दिया जाता है सिर्फ चंद रुपयों के लिए। अब क्या यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या योगी सरकार एक तरफ जहाँ जो है वन्य जीव संरक्षण के बड़े बड़े दावे करती है, क्या वन्य जीवों को मरवाने के लिए ही जो है पैसा खर्च करती है? मैं यूपीएस न्यूज 24 चैनल से बीओची पन मुचुकला राबेली हर खबर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फूलराज है। कहाँ के निवासी हो? जी पूरे गोसाईपुरवा समझपुर पक्षी विहार। भैया ये बताएं इस झील में जो मछलियों का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये मामला जी, ये जो बंटी सिंह है नहीं वही मरवाते हैं। बंटी सिंह कौन है? ये बंटी सिंह, ये बंटी सिंह यहाँ के अधिकारी हैं। और कहाँ कहाँ के अधिकारी हैं? ये पक्षी विहार, समझपुर पक्षी विहार। हाँ हाँ, समझपुर पक्षी विहार के अधिकारी हैं। इन्हीं के आदेश से सारी मछली मार दी जाती है, कुछ भी होता है तो इन्हीं के आदेश से होता है। लगभग कितने लोग मछलियाँ मारते हैं? रात में ये साहब 5 बजे जो है पूरी 2 पिकअप मछली भिजवा दी गई है। हाँ हाँ हाँ। और अभी मौके पे पीछे कूदे हुए हैं, देख लो शिकारी कूदे हुए हैं, मार रहे हैं ये सब। हाँ हाँ। तो ये बंटी मरवा रहे हैं, पैसा इनको दे देते हैं, हमको भी दे देते हैं तो मारते हैं। अच्छा, क्या तुम भी मारते हो? साहब हम जाते हैं, पैसा ले देते हैं तो रहते हैं साथ में, मरवा देते हैं लड़कों को भेज के। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये झील की मछलियाँ जो है यहीं के बंटी नाम की जो हैं कार्यरत, वही जो करवा रहे हैं सब? जी जी वही करवाते हैं, उन्हीं के वो सब पूरा मामला ही हाथ में रहता है। वो बहुत पुराने हैं इसीलिए उनसे सब लोग वो रहते हैं, तो अपना पैसा ले कर मरवा देते हैं। अब आज रात में दवा छोड़ के सारी मछली मरवा दी गई। अच्छा, दवा छोड़ के हुआ है? हाँ, दवा छोड़ के पूरी मछली रात में मरवा दी गई है और अभी तक चल रही है। क्या नाम है तुम्हारा?
धीरज। कहाँ के निवासी हो? रोहनिया। बेटा ये मछली कहाँ से लाए हो? ताल से बंटी मंगवाए। बंटी कौन है? जंगल के मालिक। अच्छा, उनके कहने पे हुआ है सर ये? तो रोज लाते हो कि आज ही लाए हो? आज। और लोग भी मारते हैं मछली? और लोग लाते हैं? हाँ, रोज मारते।